नमस्कार दोस्तों, अभी मैं पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और ये रास्ता जाता है रायपुर मैदान। यहाँ पर शिव जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है झील के अंदर। शायद आपको पहाड़ी से नज़र आ रहा होगा, मैं काफ़ी ऊंचाई पर हूँ। ये देखिए, ये मेरी बाइक पर खड़ी हुई है, बाइक के ऊपर सामान लगा हुआ है और मैं यहाँ से जाऊँगा और आपको मैं भी दिखाता हूँ, शायद आपको नज़र आए। तो यहाँ से झील नज़र आ रही है, उसी झील तक मेरे को जाना है। ये देखिए सामने दूर पानी नज़र आ रहा है, वो झील है, वहीं पर मेरे को जाना है। दोस्तों, पहाड़ी रास्ते काफ़ी घुमावदार होते हैं, एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं और एक तरफ गहरी खाई, और यहाँ पर कुछ लोग रुक करके वीडियो वगैरह बना रहे हैं। ये देखो, ये वीडियो बना रहे हैं और अब हम चलते हैं रायपुर मैदान की तरफ को। दोस्तों, ऊना से दो रास्ते रायपुर मैदान के लिए जाते हैं, एक रास्ता थोड़ा लंबा है और दूसरा रास्ता जो है शॉर्टकट है, जो पीर निगाही से होकर के जाता है, और मैं उसी रास्ते से रायपुर मैदान के लिए जा रहा हूँ। रायपुर मैदान ऊना से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही अच्छी जगह बताई जाती है। तो ये सामने गोविंद सागर झील है जो मैंने आपको पहाड़ी के ऊपर से दिखाई थी। अब यहीं आगे जा कर के हम मंदिर पर जाएंगे और अब चलते हैं। ये सामने मंदिर है, अभी यहाँ चारों ओर पानी तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी पहले झील दिखाता हूँ। ये गोविंद सागर लेक झील है। दोस्तों, ये मंदिर जो है गोविंद सागर झील के किनारे बना है। अभी तो पानी काफ़ी नीचे चला गया है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मगर बरसात के दिनों में पानी इतना ऊपर आ जाता है कि मंदिर का नीचे वाला हिस्सा, नीचे की जो मंदिर मंजिल है, आधा पानी में डूब जाता है और मंदिर तक आने के लिए बोट ही एकमात्र सहारा होता है, यानी कि बोट द्वारा ही आप इस मंदिर तक आ सकते हैं। बोट का किराया मात्र 20 से 30 रुपये प्रति व्यक्ति होता है, मगर बरसात के दिनों में मंदिर की खूबसूरती बहुत ही अच्छी नज़र आती है। ये बरसात के समय का फोटो है जब चारों तरफ पानी होता है, ये सारा सूखा पड़ा हुआ है। और अब ये कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं मंदिर की तरफ को, हम भी मंदिर की तरफ चलते हैं। और ये मंदिर के पास पहुंच गए, लो जी अब हम मंदिर पहुंच गए हैं। ये है मंदिर सिद्ध बाबा गरीबनाथ जी औगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट, गांव झील नज़दीक अंदर रोज मांगना जिला ऊना। ये मंदिर है और अभी मैं अपने आसपास का आपको भी दिखाता हूँ। देखिए चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। ये इधर हनुमान जी की मूर्ति है और ये धर्म बाबा की मूर्ति है। मंदिर काफ़ी साफ सुथरा है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। वैसे तो गर्मी है, मगर गोविंद सागर झील की वजह से यहाँ गर्मी कम लग रही है। सामने बोर्ड पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यह प्राचीन तप स्थल सिद्ध बाबा गरीबनाथ औगढ़ का लगभग 525 वर्ष पुराना है। हमें यहाँ बताया गया कि बाबा जी ने यहाँ 40 साल तक एक पेड़ के नीचे तपस्या की। जिस पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की, वह अमलतास का पेड़ आज भी इस मंदिर परिसर में फल फूल रहा है। लोगों ने उस पेड़ की शाखाओं को टूटने से बचाने के लिए शाखाओं के नीचे सपोर्ट दे रखी है। इस मंदिर का जिन्होंने निर्माण कराया था, ये उनकी प्रतिमा है, बाबा नसीब सिंह जी। और जो सिद्ध महात्मा हैं बाबा गरीबनाथ, ये उनकी प्रतिमा है। और पीछे अमलतास का पेड़ भी नज़र आ रहा है, ये आपको अमलतास का पेड़ दिखाते हैं। ये अमलतास का पेड़ है जिस पर लिखा हुआ है, यह वृक्ष 500 वर्ष पुराना है, यहाँ पर बाबा गरीबनाथ जी ने 40 साल तपस्या की और पेड़ के नीचे सपोर्ट भी दी हुई है ताकि इसकी शाखा टूट ना जाए। ये देखो बहुत पुराना पेड़ है। हम मंदिर की दूसरी तरफ चल के देखते हैं कि वहाँ का नज़ारा कैसा दिखता है। अभी वर्तमान में मंदिर की जो व्यवस्था है तथा निर्माण कार्य है,
वह माता शीला देवी की रेख देख में चल रहा है। और ये माता शीला देवी जी का फोटो है। ये देखिए यहाँ से गोविंद सागर झील का नज़ारा, ये मंदिर से दिखा रहा हूँ आपको, कितना सुंदर लग रहा है, पानी कितना साफ है। अभी पानी काफ़ी नीचे उतर गया है। ये मंदिर का लंगर हॉल है इधर, और ये 31 फीट ऊंची शिवजी की प्रतिमा है जो दूर से नज़र आती है। अभी चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए धागे बांधते हैं और ऊपर चलते हैं। ये देवादेव श्री महादेव जी का शिवलिंग बना हुआ है यहाँ पर सबसे ऊपर, यहाँ दर्शन करने आते हैं लोग। यहाँ ऊपर हवा बहुत तेज चल रही है। आ जाओ जी, आ जाओ, सब आ जाओ। ये सब जने मत्था टेकने के लिए आए हुए हैं यहाँ भोलेनाथ के। और क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? नाम बताओ। क्या नाम है? प्रिंसी। वाओ, क्या बात है। चलो अच्छी बात है, चलो। मंदिर तो बहुत अच्छा बना है यहाँ पर, बढ़िया। एक पानी नीचे चला गया आपका, पहुँचेंगे आप लोगों को। जय भोलेनाथ की। मंदिर एक और पहाड़ियों से घिरा हुआ है और दूसरी ओर गोविंद सागर झील। ऐसे मनमोहक दृश्य को देखने के लिए भक्तों के साथ साथ पर्यटक भी दर्शन करने के लिए खिंचे चले आते हैं। ये अमलतास का पेड़ है जो फल फूल रहा है यहाँ पर, और पीछे गोविंद सागर लेक नज़र आ रही है। दोस्तों, वैसे तो आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप अक्टूबर नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में आएँ तो शायद आपको मंदिर के चारों ओर पानी ही पानी नज़र आएगा। दोस्तों, कमेंट्स करके बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी, और इसको लाइक करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और अब चलते हैं महादेव जी के पास। ये महादेव जी का स्टैचू है जो मैंने आपको दिखाया था, 31 फीट ऊँचा। कितना विशाल स्टैचू है ये, कितनी विशाल प्रतिमा है। ये नागराज जी हैं, और पीछे वो मंदिर नज़र आ रहा है जहाँ शिवलिंग बना हुआ है, लोग परिक्रमा कर रहे हैं वहाँ पर। अति सुंदर, जय भोलेनाथ की। और अब हम चलते हैं, आपको लेक की तरफ लेके चलते हैं। ये गेट है, यहाँ से बाहर चलते हैं। अब यहाँ से मंदिर नज़र आ रहा है, और ये सारा सूखा पड़ा हुआ है, पानी नीचे चला गया ना, ये सारा सूखा पड़ा हुआ है। ऊपर चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, ये देखिए कितना नीचे चला गया पानी। ये गोविंद सागर झील के अंदर छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं जहाँ पर लोग प्री वेडिंग शूटिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए आते हैं, और कई गानों की शूटिंग भी यहाँ हुई है। दोस्तों, यहाँ आने के लिए आपको ऊना आना पड़ेगा, और ऊना आप ट्रेन द्वारा या बस द्वारा आ सकते हैं, और वहाँ से टैक्सी द्वारा या अपने निजी वाहन द्वारा यहाँ पर आ सकते हैं। और एक बार आप जरूर आओ, यहाँ का नज़ारा देखने लायक है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। देखो चारों ओर पानी पानी है, और यहाँ पर मोटरबोट भी चलती हैं जो यहाँ से दूसरे किनारे तक लोगों को लेकर जाती हैं। देखिए मौसम बहुत ही अच्छा है यहाँ पर अभी। और अब हम चलते हैं वापस। ये देखिए मंदिर दूर से कैसा लग रहा है। और अब हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए जय हिंद।